अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काजियान, बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करके फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूँगा जवारिश पुदीना के बारे में, यूनानी फार्मेसी की एक बहुत मशहूर और क्लासिकल मेडिसिन, जिसको आप यूनानी मेडिकल स्टोर पर या आयुर्वेद मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से ख़रीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम जवारिश पुदीना क्यों रखा गया और जवारिश क्या होती हैं, साथ में ये बताऊंगा कि इसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन से मर्ज़ में ज़्यादा बेहतर काम करती है ये, और इसका मिजाज क्या है, इस टोटल दवा का मिजाज क्या है। साथ में ये भी बताऊँगा कि इसमें कौन कौन सी दवाएँ शामिल की गई हैं और इसकी डोज़ या मकदार खुराक क्या है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और क्या इसके नुकसान हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आज आपको देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि किसी भी तरह की अधूरी जानकारी से बच सकें। चैनल को, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप हमारी आने वाली वीडियो पहले देख करके फ़ायदा उठा लें। अब हम बात करते हैं जवारिश पुदीना के वजह तस्मिया की, कि आखिर इसका नाम जवारिश पुदीना क्यों रखा गया। देखिए, जवारिश जो है वो माजून की एक किस्म होती है, और जैसे माजून जो है तरह तरह की बीमारियों के लिए बनाया जाता है, लेकिन जवारिश जो है वो स्पेशली अमराज हज़म के लिए बनाई जाती है। अमराज हज़म मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटिव जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए जो स्पेशल दवा मुकर्रर की गई है वो जवारिश होती हैं। अब वो अलग अलग नाम से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जवारिश का मतलब जो होता है गवारिश से बना है ये, और गवारिश का मतलब होता है खुशगवार, क्योंकि जब हम इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो ये जायके में इतनी टेस्टी होती है, इतनी बेहतर होती है कि खुशी महसूस होती है, खाने में अच्छा लगता है। वरना अक्सर दवाएं लोग परेशान होते हैं, दवा खाने में ज़ोर आता है, लेकिन ये जवारिश जो है ना खुशगवार होती है, खाने में अच्छी होती है, बड़ा अच्छा जायका होता है, इसलिए इसका नाम गवारिश से जवारिश कर दिया गया, ये इसकी वजह है। ठीक है, पुदीना इसमें जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट के तौर पर शामिल किया गया है, और भी दवाएं कई सारी शामिल की गई हैं, लेकिन पुदीना जो है वो मेन कंटेंट है, इसलिए इसी के बेस पर इसका नाम जवारिश पुदीना रख दिया गया। ठीक है, अगले अब क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके इस्तेमाल हैं, अब मैं आपको वो भी बता दूँ। देखिए, ये जिन लोगों को ज़ोफ़े इश्तिहा की शिकायत रहती है, ज़ोफ़े इश्तिहा का मतलब होता है भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना या भूख ना लगने की शिकायत जिन लोगों को रहती है, तो वो लोग जवारिश पुदीना का इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए जवारिश बेहतर काम करती है। ठीक है, इसके अलावा ये काबिज़ का काम भी करती है। काबिज़ का मतलब कब्ज़ पैदा करने वाली दवा है, क्योंकि जिन लोगों को दस्त की शिकायत रहती है, लंबे समय से दस्त से परेशान हैं और बार बार दस्त होने की शिकायत रहती है, क्रोनिक डायरिया की शिकायत है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कब्ज़ पैदा करके डायरिया की शिकायत को या दस्त की शिकायत को दूर कर देती है, ये भी इसका एक बहुत बेहतर फ़ायदा है। उसके बाद ये काते सफ़रा भी है। काते सफ़रा का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर अगर येलो बाइल ज़्यादा बढ़ रहा है, या जिसे उर्दू में सफ़रा कहते हैं, ज़्यादा बढ़ने को रोकने के लिए हम जवारिश पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सफ़रा की ज़्यादती को रोकने के लिए हम जवारिश पुदीना का इस्तेमाल करें, और उसकी वजह से जो और परेशानी है उसमें सब में फ़ायदा करेगी। ठीक है, ख़ास तौर से ये सफ़रावी दस्तों में तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत ही बेहतर काम करती है सफ़रावी दस्तों में, क्योंकि दस्तों को रोक देती है और सफ़रा की ज़्यादती को कम कर देती है, यानी कि अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी ज़्यादती को कम करके फ़ायदा पहुँचाती है। अब अगर हम बात करें कि इसका मिजाज क्या है और इसमें कौन कौन सी दवाएँ शामिल की गई हैं, तो देखिए, इसका मिजाज जो है, जो पुदीना जो होता है, खुश्क पुदीना, पुदीने को सुखाने के बाद जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, मैं उस पुदीना की बात कर रहा हूँ, और यहाँ जो है दवाओं में पुदीना खुश्क का इस्तेमाल किया जाता है सूखने के बाद, तो उसका मिजाज की अगर हम बात करें तो वो गर्म खुश्क होती है। इसके अलावा और भी कई सारी दवाएँ इसमें गर्म मिजाज की दवाएँ हैं, और कुछ ऐसी दवाएँ भी हैं जो ठंडे मिजाज की होती हैं। तो जब हम इन सारी दवाओं को मिलाएँगे और इन सारी दवाओं का जब मिजाज जोड़ेंगे, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दवा जो है ना तो ज़्यादा गर्म कह सकते हैं ना ही ठंडी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गर्म दवाएं भी शामिल हैं और ठंडी दवाएं भी शामिल हैं। और जब ऐसा है तो इसका मतलब ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि एक दूसरे के बैलेंस में आ गए। अगर सिर्फ गर्म गर्म दवाएं होती इसमें शामिल, तब हम ये समझते कि इसका मिजाज गर्म है। अगर ठंडी दवाएं शामिल होती हैं, तब हम ये महसूस करते कि इसका मिजाज ठंडा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें गर्म दवाओं के साथ साथ ठंडी दवाएँ भी, क्योंकि अमराज हज़म में
कभी भी है ना दोनों तरह की दवाएं ही इस्तेमाल की जाती, कभी भी एक मिजाज की दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना वो रिज़ल्ट आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं रिज़ल्ट। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम गर्म मिजाज की दवाएं इस्तेमाल कराएं सारी और अमराज हज़म हो रहा है, मानो कब्ज़ की शिकायत हो रही है, दस्त की शिकायत हो रही है, तो कब्ज़ की अगर शिकायत है गर्म दवाएँ से हम दस्त तो चला देंगे, लेकिन हमें उसको कंट्रोल भी तो करना है, वरना फिर वो कंटिन्यू चलते रहे तब भी तो परेशानी है। या ऐसे ही दस्त अगर हैं उसको उसमें हम ठंडी दवाएं देके कब्ज़ पैदा कर दें या रोक दें दस्तों को, तो हमें मोशन नॉर्मल खारिज भी तो कराना है। जब नॉर्मल मोशन खारिज नहीं होंगे तो फिर कब्ज़ भयंकर हो जाएगा, तब तो बीमारी दूसरी बन जाएगी। तो इसलिए बैलेंस करने के लिए हकीमों ने क्या करा, पुराने जो हकीम जो गुजरे बुज़ुर्ग जो गुजरे हैं उन्होंने क्या करा, कुछ ऐसे नुस्खे बनाए कि उसको बैलेंस भी किया है ताकि इसके नुकसान ना दिखें। भाई अगर कब्ज़ वाली दवा हम लगातार इस्तेमाल करें तो वो तो कब्ज़ पैदा कर देगी, कब्ज़ बनाने वाली दवा, और जब कब्ज़ पैदा कर देगी तो आंतें ख़राब हो जाएंगे, फिर दूसरी परेशानियाँ हो जाएंगी। तो ऐसा दस्त को रोकने वाली दवा तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इतनी भयंकर नहीं होती कि वो कब्ज़ बढ़ाती चली जाए। उसमें ऐसी भी दवाएं शामिल की जाती हैं कि नॉर्मल मोशन भी खारिज होते रहें, वरना तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए। तो कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जिनका मिजाज जो है ना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और किसी भी तरह के मिजाज के लोगों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस सफरावी लोगों में इसका इस्तेमाल मैं ज़्यादा कराता हूँ, येल्लो बाइल जिन लोगों का बढ़ा हुआ रहता है, मतलब जिन लोगों का मिजाज गर्म रहता है, उन लोगों में ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं और अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी दवाएँ इसमें शामिल की गई हैं, उम्मीद है ये मिजाज का जो कॉन्सेप्ट है मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आप ज़रूर समझते होंगे और फ़ायदा भी उठाएँगे इंशाल्लाह। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी मतलब दवाएं इसमें शामिल की गई हैं, तो एक लिस्ट है मैं आपको देख करके बताऊँ। पुदीना खुश्क लिया है, अनारदाना लिया, देखिए अनार सर्द दवा है, ठीक है गर्म तर, ठीक सॉरी सर्द तर, दार चीनी है, दाना हेल खुर्द, साद कूफी, मस्तगी और शक्कर शहद और सत्य लेमू वगैरह, ये सारी दवाएं इसमें कूट पीस छान करके सफ़ूब बना करके पाउडर बना करके शक्कर या शहद की जो चाशनी बनाते हैं उसमें मिला करके पका ली जाती है और ये जवारिश जो है तैयार हो जाती है। ये चीज़ तो आपको बना करके दिखाई जाएगी जब बेहतर समझ में आएगी कि कैसे बनाई जाती है और कैसे तैयार की जाती है। बात आती है कि इसको कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं और ये इसकी डोज क्या है, असल तो सवाल का जवाब रह गया डोज क्या है इसकी। तो देखिए इसकी डोज जो है वो आप अगर 24 घंटे में एक बार लेना चाहते हैं तो सुबह नाश्ते के बाद लें 10 ग्राम, मतलब एक चम्मच 10 ग्राम, आप समझ सकते हैं अंदाज़ा लगा लें, एक चम्मच का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, सुबह भूखे पेट पर भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप खाने के बाद लें, क्योंकि जवारिश जो है ना वो खाने के बाद ली जाती हैं, ये ध्यान देखिए 10-20 मिनट आधे घंटे के फ़र्क से। और अगर आप थोड़ी थोड़ी लेना चाहें 5-5 ग्राम लेना चाहें तो दो वक्त में भी ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद रात को खाने के बाद ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी एक तरीका है। मेरा मानना जो मैं तरीके से इस्तेमाल कराता हूँ वो मेरा मानना है 24 घंटे में एक बार लो, लेकिन थोड़ी डोज बढ़ा दो। उससे ये होता है कि हम एलोपैथी बहुत सारी ऐसे ऐसे इंजेक्शन और स्टेरॉयड ले चुके हैं कि जहाँ यूनानी दवाएँ जड़ी बूटी वाली दवाएँ या आयुर्वेदिक दवाएँ असर पूरी तरीके से नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में जब डोज थोड़ी ज़्यादा होगी तो असर जल्दी होगा। तो इसलिए जो है आप 24 घंटे में एक बार लें और 10 ग्राम के आसपास लें, 5-5 ग्राम ना लें, वो थोड़ी थोड़ी डोज रहेगी तो पूरे तरीके से असर नहीं दिखा पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, कौन सी कंपनियां बनाती हैं, तो देखिए देलवी, हमदर्द, रेक्समा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां यूनानी की जो इसको बनाती हैं और आप यूनानी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ख़रीद भी सकते हैं। उम्मीद है आपको जो मैंने आज जानकारी दी है आपको बेहद पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आप किसी बीमारी का इलाज घर बैठे कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है, उसके लिए आपकी थोड़ी सी फ़ीस लगेगी, लेकिन आपको घर बैठे इलाज शुरू कर सकते हैं, आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं। अगर दवा की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल भी रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।